वेलकम स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक। दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। क्या कोई भी पार्टी म्यूजिक के बिना कंप्लीट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से जब हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं, सैड होते हैं, तब हम क्या करते हैं? अपना मूड ठीक करने के लिए अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम बहुत ज्यादा इमोशनली म्यूजिक से कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए हमें ये म्यूजिक के बारे में जरूर जानना चाहिए, और ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये इसी चीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसके मेनली दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और इसका सेकेंड पार्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। दोस्तों, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये हमारी बायोग्राफीज हैं। पहला पार्ट हमें बताता है यहाँ पे एवेलिन ग्लेनी के बारे में, और दूसरा पार्ट बिस्मिल्ला खान के बारे में। आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इसमें बिस्मिल्ला खान दोस्तों एक बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं। वो शहनाई बजाया करते थे। वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने शहनाई को एक नया प्लेटफॉर्म दिया। उसको सिंपली, पहले शहनाई को सिर्फ शादियों में या फिर टेम्पल्स में बजाया जाता था, पर उसको एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बिस्मिल्ला खान ने ही बनाया। उन्हीं की ये लाइफ की जर्नी है। इस चैप्टर को सही तरीके से समझने के लिए मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पुंगी और शहनाई के बारे में, कि यहाँ पे पुंगी और शहनाई के बीच में डिफरेंस क्या है, शहनाई का नाम शहनाई क्यों रखा गया, हम इस चीज को भी समझेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम जर्नी के बारे में बात करेंगे कि ये जो बिस्मिल्ला खान है, इनकी लाइफ की जर्नी क्या रही। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे बिस्मिल्ला खान जी के यहाँ पे बिलीव्स और उनकी अचीवमेंट्स की। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत ही आसानी से हम ये तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो कुछ भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी जरूर सॉल्व करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम पुंगी और शहनाई को डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं, तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।